बुधवार शाम को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित हुए बहुप्रतीक्षित GSAT-7 और GSAT-6 के साथ मिलकर इंडियन एंग्रीबर्ड कहा जाने वाला ये नया उपग्रह संचार उपग्रहों का एक बैंड तैयार कर देगा जो भारतीय सेना के काम आएगा। GSAT-7 से जुड़ी 10 खास बातें। एक, 2250 किलोग्राम वजन वाला सह संचार उपग्रह GSAT-7 बुधवार को श्रीहरिकोटा से जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के जरिए लॉन्च किया गया। तो इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सीवन ने को बताया, ये अत्याधुनिक सैटेलाइट है जिसे जरूरतों के हिसाब से बनाया गया है और ये सबसे दूर दराज के इलाकों में भी हाथ में पकड़े जाने वाले उपकरणों तथा उड़ते उपकरणों से भी संपर्क कर सकता है। तीन, नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज के अतिरिक्त महानिदेशक एयर वाइस मार्शल सेवानिवृत्त एम बहादुर ने कहा, इससे भारतीय वायुसेना को वह ताकत मिलेगी जिसकी उसे बहुत जरूरत है। चार, भारतीय नौसेना के पास सिर्फ उसके इस्तेमाल के लिए एक सैटेलाइट GSAT-7 पहले से है जिसे रुक्मणी भी कहा जाता है और जिसे 2013 में लॉन्च किया गया था। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता कैप्टन डीके शर्मा ने बताया, GSAT-7 नौसेना को हिंद महासागर क्षेत्र में रियल टाइम सिक्योर कम्युनिकेशंस कैपेबिलिटी उपलब्ध कराता है। इससे विदेशी ऑपरेटरों द्वारा संचालित उपग्रहों के भरोसे रहने की जरूरत खत्म हो जाती है जिन पर नजर रखा जाना आसान होता है। पाँच, एयर वाइस मार्शल एम बहादुर ने कहा, भारतीय वायुसेना इस क्षमता का इंतजार बहुत लंबे समय से कर रही थी क्योंकि इससे इंटीग्रेटेड एयर कमांड तथा हवाई लड़ाकों के लिए कंट्रोल सिस्टम में संचार का एक ताकतवर पहलू जुड़ जाएगा। अब तक IAF ट्रांसपॉन्डर किराए पर लिया करती थी जिनकी जासूसी किया जाना आसान होता है। छह, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने विशेष डिफेंस स्पेस एजेंसी के गठन की योजना को मंजूरी दी थी जो तीनों सेनाओं की इंटीग्रेटेड इकाई होगी और अंतरिक्ष में मौजूद सभी भारतीय एसेट्स का इस्तेमाल सशस्त्र सेनाओं के लाभ के लिए करेगी। सात, GSAT-7 और GSAT-6 के साथ मिलकर GSAT-7 संचार उपग्रहों का एक बैंड तैयार कर देगा जो भारतीय सेना के काम आएगा। आठ, इसके अलावा देश के पास रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम भी है जो मिसाइलों को सटीक निशाने साधने में मदद करता है। नौ, स्वदेश निर्मित क्रायोजेनिक इंजन से पावर किए जाने वाले GSAT-7 की ये 13वीं उड़ान होगी और उसकी पिछली 5 उड़ानें कामयाब रही हैं। ये रॉकेट लगभग 50 मीटर ऊंचा है जितना आमतौर पर कोई 17 मंजिला इमारत होती है। इसका वजन लगभग 4145 टन है यानी 80 वयस्क हाथियों का कुल वजन 10। यही इसरो का इस साल के दौरान 17वां मिशन है और अब तक कुल मिलाकर श्रीहरिकोटा से यह 69वां रॉकेट लॉन्च है।